हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल. दिस इज मी रश्मि. आज हम लोग हमारा जो लेसन था बिल्डिंग्स टू रिमेम्बर उसका पार्ट टू पढ़ेंगे. ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में इसका पार्ट वन पढ़ लिया है, आज हम लोग पार्ट टू पढ़ेंगे. तो यदि आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए पार्ट वन जरूर देख ले. और चलिए अब हम लोग पार्ट टू पढ़ते हैं. ठीक है, तो देखिए, लेट्स कंटिन्यू. इवेंचुअली दे रीच्ड देयर डेस्टिनेशन. इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, यानी कि आखिर में. ठीक है, अंततः दे यानी वे रीच्ड, रीच्ड मैंने पहुंच गए. ठीक है, पहुंच गए देयर डेस्टिनेशन. डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य, यानी जहां उनको जाना था. ठीक है, सारे बच्चों को कहां जाना था? टीचर के साथ बैंडल चर्च, है ना. तो वो लोग बस से बैंडल चर्च जा रहे थे, तो आखिर में वो लोग बैंडल चर्च पहुंच जाते हैं. द बस स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द चर्च. बस जो है वो इन फ्रंट, इन फ्रंट यानी सामने, चर्च के सामने जाकर रुकी. एवरीबॉडी वॉज इलेक्टेड एंड स्टार्टेड टॉकिंग ऑल एट वंस. सभी जो है बहुत ज्यादा खुश हो गए. इलेक्टेड मैंने खुश हो जाना, एंड स्टार्टेड शुरू कर दिया टॉकिंग, बातचीत करना. सभी बहुत जो है वो खुश हो गए और अचानक ही सब एक साथ बातचीत करना शुरू कर दिए. अमीना आस्क्ड, अमीना पूछी, इज दिस द सेम बिल्डिंग दैट वॉज बिल्ट इन 1599 मैडम. क्या पूछती है? इज दिस द सेम, सेम मतलब वही, बिल्डिंग यानी इमारत. तो अमीना पूछती है मैडम से कि मैडम क्या वह, क्या यह जो चर्च का बिल्डिंग है यह वही है, वही बिल्डिंग है जो 1599 में बना था. तो मैडम क्या बोलती है? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं अमीना. दिस चर्च वॉज destroyed. destroyed यानी नष्ट किया गया. ठीक है, ड्यूरिंग द मुगल सेज, मुगल पीरियड जब था, मुगल काल जब था, इसका मतलब काल, जब मुगल काल था, मुगलों का शासन था. ठीक है, उस समय ये जो इमारत है उसे कई बार नष्ट किया गया. ऑफ हुगली, जब हुगली में मुगलों का शासन था तो इससे इस चर्च की बिल्डिंग को कई बार क्या किया गया, नष्ट कर दिया गया. द टीचर सेड एज दे वॉक्ड इनसाइड थ्रू द गेट. टीचर यह बता रही थी और वो लोग चलते चलते इनसाइड यानी भीतर. ठीक है, इनसाइड मतलब भीतर, ये लोग गेट से भीतर चले गए. व्हाट हैपेंड देन, उसके बाद क्या हुआ? आस्क्ड सुनीता, सुनीता पूछती है कि फिर उसके बाद क्या हुआ. द प्रीस्ट फादर जॉन डा क्रूज, ठीक है यहाँ पे ध्यान रखिएगा फादर का नाम क्या है, जॉन डा क्रूज, अलोंग विथ ए फ्यू थाउजेंड क्रिश्चियंस वॉज टेकन टू आगरा फोर्ट बिफोर द मुगल एम्परर शाहजहां. जो फादर थे, जो वहां के प्रीस्ट यानी पंडित, ठीक है पंडित, देखिए हर धर्म में जो मंदिरों में रहते हैं उन्हें हम पंडित कहते हैं. ठीक है, हर धर्म में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है परंतु वे कार्य सभी एक ही करते हैं. तो जो हिंदू होते हैं वहां पर उसे हम पुजारी कहते हैं, मुस्लिमों में मौलवी, इसी तरीके से जो क्रिश्चियन होते हैं उसमें प्रीस्ट कहा जाता है. तो जो प्रीस्ट थे फादर जॉन डा क्रूज, जॉन डा क्रूज को क्या किया गया, जॉन डा क्रूज अपने साथ हजारों क्रिश्चियन, मतलब उनके साथ हजारों क्रिश्चियन को लेकर आगरा का जो किला है फोर्ट यानी किला, किला में जो मुगल बादशाह थे उस समय के, जो मुगल शासक, उस समय के जो मुगल शासक थे शाहजहां, उनके सामने ले जाया गया. ठीक है, हिज ऑर्डर वॉज टू पनिश द प्रिजनर्स. प्रिजनर्स का मतलब होता है, प्रिजनर्स यानी कि कैदी. ठीक है, प्रिजनर्स यानी कैदी.
यानी जॉन डा क्रूज के साथ जो हजारों क्रिश्चियन थे सभी को कैदी बना लिया गया था, और उन सभी कैदियों को क्या कहा गया कि सजा दी जाए, पनिश किया जाए। तो दे वेयर मेड टू स्टैंड बिफोर फेरियस एलिफेंट, एलिफेंट फेरियस का मतलब होता है क्रूर, ठीक है, एक बहुत ही क्रूर हाथी के सामने उनको खड़ा कर दिया जाए, ताकि हाथी जो है बहुत ही क्रूर है वो उनको क्या करेगा, कुचल कर मार डालेगा। बट लेकिन सरप्राइजिंगली यानी कि आश्चर्य आश्चर्य तरीके से वन एलिफेंट कैरिड फादर जॉन द क्रूज राइट अप टू द एम्परर एंड नेल्ट बिफोर हिम। लेकिन वह हाथी क्या करता है, ठीक है, उन हाथियों में से एक हाथी जो क्या करता है वो फादर जॉन द क्रूज को उठा लेता है और उठाकर बादशाह के सामने ले जाता है और ले जाकर वहां पर खड़ा कर देता है, खड़ा कर कर जॉन डा क्रूज के सामने नेल्ट डाउन यानी अपने घुटने पर खड़ा हो जाना, बैठ जाना, ठीक है, घुटने पर बैठ जाता है, नेल्ट यानी घुटने पर आ जाना, तो उनके सामने वो घुटने पर आ जाता है। Keep asking for mercy, mercy यानी दया, और बादशाह से दया की याचना करता है। This peculiar, peculiar यानी बहुत ही अजीब, incident, incident यानी घटना, impressed, प्रभावित, शाहजहां, इस बहुत ही अजीब घटना ने कि एक जो बहुत ही क्रूर हाथी है उस क्रूर हाथी के सामने ले जाया गया और उस क्रूर हाथी ने क्या किया, फादर को अपने साथ ले आया और लाकर बादशाह के सामने खड़ा कर दिया और स्वयं घुटने पर आ गया। तो इस बड़ी सी अजीब घटना को देखकर शाहजहां जो होते हैं वो बहुत ही प्रभावित हो जाते हैं। He set the prisoners free, वो prisoners को यानी कि कैदियों को आजाद कर देते हैं, and sent back to the Bendel, और उन्हें वापस Bendel भेज देते हैं। Sent यानी भेज देना, back मने वापस। शाहजहां granted money, money भी देते हैं, ऐसा, to reconstruct, reconstruct यानी पुनः निर्माण करने के लिए, फिर से निर्माण, फिर से निर्माण करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए पैसा भी देते हैं चर्च का, ठीक है, एंड ऑल्सो डोनेटेड 777 वीघास ऑफ लैंड टू द चर्च इन द ईयर 1633। 1633 ईस्वी में 777 बीघा जमीन भी देते हैं चर्च को अपना कामकाज करने के लिए, उनको देखभाल करने के लिए, चर्च का देखभाल करने के लिए। सिंस देन, उसी समय से, इट हैज बीन मॉडिफाइड, मॉडिफाइड यानी सुधार, उसमें हमेशा क्या होता रहा, परिवर्तन होते रहा, मॉडिफाइड का मतलब होता है परिवर्तन, परिवर्तन होते रहा, एंड रिकंस्ट्रक्ट एट डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट यानी अलग अलग, टाइम्स यानी समय, यानी अलग अलग समय पर हमेशा ही जो चर्च की बिल्डिंग है उसमें सुधार होता रहा। द टीचर एक्सप्लेन टू द ईगर स्टूडेंट, यानी उत्सुक विद्यार्थियों को टीचर ने यह बात समझाई, बताया, ठीक है। एट लास्ट ऑल ऑफ देम एंटर्ड द चर्च, सभी जो है वो चर्च में घुसे। दे सॉ द प्रेयर हॉल, उन्होंने प्रेयर हॉल देखा, एंड मास्ट, मास्ट यानी आप कह सकते हो एक तरीके का पोल जिसे कहा जाता है, मास्ट का मतलब होता है अ टाइप पोस्ट ऑफ सिरप कैरिंग सेल, जिसे हम लोग जैसे जो नाव होता है ना, नाव में जो तंबू होता है खींचने वाला, उसको कहते हैं, ठीक है। एंड सेमेट्री, सेमेट्री का मतलब होता है कब्रगाह, ठीक है, आप इसे समाधि स्थल भी कह सकते हो, समाधि स्थल या कब्रिस्तान, ठीक है। एंड ऑल्सो द स्टैचू ऑफ मदर मैरी, मदर मैरी की मूर्ति भी देखी। दे सॉ मेनी वॉल पेंटिंग्स, उन्होंने बहुत सारे वॉल पेंटिंग्स, दीवार चित्र को देखा, ऑफ क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का, एंड ह्यूज क्लॉक, एक बहुत बड़ा घड़ी, विथ फोर फेसेस, जिसके चार चेहरे थे, एक बहुत बड़ा घड़ी जिसका चार चेहरा था, उन लोगों ने उसे भी देखा। एट द एंड ऑफ द डे, आखिरी दिन के अंत में, द
द स्टूडेंट फेल्ट हैप्पी, बहुत ही खुश थे, एंड एनरिच्ड, समृद्ध थे, उन्हें बहुत ज्यादा, एनरिच्ड का मतलब होता है समृद्ध होना, समृद्ध होना यानी उन्हें बहुत सारा नॉलेज मिला ना, ज्ञान मिला, ज्ञान से समृद्ध हो गए वो लोग. दिस ट्रिप हैड बीन मोस्ट रिवॉर्डिंग टू ऑल ऑफ देम. रिवॉर्डिंग यानी पुरस्कृत, पुरस्कार देने वाला, ठीक है, पुरस्कृत आप कर सकते हो, उसका सही वर्ड पुरस्कृत होगा, पुरस्कृत, ठीक है. क्योंकि इस ट्रिप में उनको क्या मिला था, चर्च के बारे में उनको जानकारी मिली थी, ये जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसके बारे में जानकारी मिला था. इसके अलावा उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी थी, जैसे कि स्टैचू ऑफ मदर मेरी, वॉल पेंटिंग्स, प्रेयर हॉल, मास्ट, सेमेट्री, बहुत सारी चीजें देखी थी. तो इससे उनको बहुत सारा नॉलेज मिला था और उससे उनको बहुत ज्यादा खुशी भी हुई थी. तो इसके लिए वो बहुत ज्यादा खुश थे, ठीक है. आइए आगे देखते हैं. ओके जी, ये देखिए एक्टिविटी फोर करेंगे इस चैप्टर का. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनका हमें आंसर देना है, ठीक है. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड द बस स्टॉप, बस जो है वो कहाँ रुकी, ठीक है. तो आंसर लिखते हैं, द बस स्टॉप इन द फ्रंट ऑफ, इन द फ्रंट ऑफ बैंडल चर्च. ठीक है, बस जो है वो बैंडल चर्च के सामने जाकर रुकी. सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट वेयर द नेम्स ऑफ टू फ्रेंड्स ऑफ मीता, मीता की जो और दोस्त, दो दोस्त थे, उनका नाम बताना है. तो दो दोस्त कौन थे, अमीना और सुनीता थे ना. तो लिख देते हैं, अमीना AMINA, अमीना एंड सुनीता. एक सेकंड रुकिए जरा, ठीक है. अमिता एंड सुनीता वेयर द नेम्स ऑफ द टू फ्रेंड्स ऑफ मीता, ठीक है. चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, हाउ मेनी क्रिश्चियंस वेयर टेकन टू आगरा फोर्ट, ठीक है. हाउ मेनी क्रिश्चियंस यानी कि कितने क्रिश्चियन को जो है वो आगरा फोर्ट यानी कि आगरा किला शाहजहां के सामने ले जाया गया था, ठीक है. ये हम लोग लिख देते हैं, द फादर जॉन डा क्रूज, JOAN, जॉन डा क्रूज, CRUZ, क्रूज, अलोंग विथ along with you thousand Christian, CRISTIAN, Christian were taken to Agra fort, were taken to आगरा फोर्ट, ठीक है.
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हु वेयर मेड टू स्टैंड बिफोर द फेरियस एलिफेंट, किसे जो है उस क्रूर हाथी के सामने खड़ा कर दिया, ठीक है, उसका आंसर लिखेंगे द प्रिजनर्स, क्योंकि सभी कैदी थे ना, एक सेकंड रुकिए, PRI, हाँ सभी इस समय कैदी थे, जॉन डाक्रूज और उनके संग जितने भी आए थे वो सारे, द प्रिजनर्स वेयर मेड टू स्टैंड बिफोर द फेरोसियस एलिफेंट्स, फेरोसियस एलिफेंट, जितने भी प्रिजनर्स थे उन सबको उस क्रूर हाथी के सामने खड़ा कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट डिड द एलिफेंट डू विद फादर जॉन डाक्रूज, एलिफेंट ने फादर जॉन डाक्रूज के साथ क्या किया, तो आंसर लिखते हैं द एलिफेंट, ई छोटा होगा यहां पे, ELEPHANT, द एलिफेंट कैरेड फादर जॉन डा क्रूज राइट अप टू द एम्परर, एम्परर का मतलब होता है बादशाह, EMPEROR, एम्परर, एंड नेल्ट बिफोर BEFORE बिफोर हिम, ठीक है, उनके सामने घुटने पर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज द फोर्ट ऑफ शाहजहां लोकेटेड, शाहजहां का जो किला है यानी कि आगरा का जो किला है वो कहां पर है, ठीक है, तो आंसर लिखते हैं द फोर्ट ऑफ शाहजहां लोकेटेड इन आगरा, ठीक है, क्वेश्चंस खत्म, आइए आगे देखते हैं एक्टिविटी 5 में क्या है। ओके, एक्टिविटी 5 में है कि एक्टिविटी 5, मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट मीता एंड हर फ्रेंड्स सॉ एट बैंडल चर्च, वन इज डन फॉर यू, लिस्ट बनाओ कि मीता और उसके फ्रेंड्स ने बैंडल चर्च में क्या क्या देखा, एक तुम्हारे लिए कर दिया गया है A huge clock with four faces, एक बहुत बड़ा घड़ी जिसके चार चेहरे थे, ठीक है, चार बड़े आकार की दीवार घड़ियां, ठीक है, चलिए उसके बाद क्या देखा था उन्होंने, सेकेंड में हम लोग कर सकते हैं सब प्रेयर हॉल, ठीक है, उसके बाद मास्ट देखा था, स्टैचू ऑफ मदर मैरी, स्टैचू ऑफ मदर, मदर मैरी, ठीक है, इसके बाद आप क्या लिख सकते हो, सेमेट्री, समाधि स्थल जिसको हम बोलते हैं,
और बहुत सारी पेंटिंग्स देखे थे। मैनी ए वॉल पेंटिंग्स। ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, जीसस क्राइस्ट की वॉल पेंटिंग्स देखी थी। ठीक, आइए अब एक्टिविटी सिक्स देखते हैं। ओके, एक्टिविटी सिक्स में क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे ये जो हेल्पिंग बॉक्स दिया गया है, इसकी सहायता से हर सेंटेंस में जो सही, प्रॉपर यानी सही, उचित, ठीक है, प्रॉपर यानी होता है उचित, जो उचित शब्द बैठेगा वो बैठाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला वाला, वी हैव मैनी डैश प्लेसेस इन आवर कंट्री। तो हमारे देश में बहुत सारे स्थान है, कैसे स्थान है, हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक, एच आई एस टी ओ आर आई सी ए एल, हिस्टोरिकल, ठीक है, वन नंबर। दूसरा देखिए है, देखते हैं, कावेरी वॉज वेरी डैश वेन सी सॉ द म्यूजियम इन कोलकाता। कावेरी जो है वो बहुत ही क्या हो गई, एक्साइटेड हो गई उस कोलकाता म्यूजियम को देखकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड नंबर, एक्साइटेड, ई एक्स सी आई टी ई डी, एक्साइटेड। तीसरे नंबर, देयर आर मेनी डैश बिल्डिंग्स इन आवर होम। तो क्या होगा, हमारे टाउन में बहुत सारे यूज बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, फोर नंबर, दे वेयर डैश व्हेन दे रिटर्न टू देयर होम, होम टाउन। वे बहुत ही क्या थे, जब घर लौटे, मतलब अपने टाउन में लौटे, तो वो बहुत ही खुश थे, हैप्पी। इसके बाद पांचवा नंबर, कीप अवे, हैप्पी फोर नंबर, और यूज थ्री नंबर। ओके, फाइव नंबर देखते हैं, कीप अवे फ्रॉम द डैश एनिमल्स। तो एनिमल्स है तो एनिमल्स के साथ क्या होगा, फेरोसियस। ठीक है, तो फाइव नंबर, एफ पी आर ओ सी आई ओ यू एस। ठीक है, और सिक्स नंबर, देयर वॉज ए लाउड नॉइस इन द क्लासरूम। ठीक है, एक्टिविटी सेवन देखते हैं। एक्टिविटी सेवन में क्या है, सपोज यू वेंट टू अ जू, तुम एक चिड़ियाखाना गए, मान लो तुम एक चिड़ियाखाना गए विथ योर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, एंड सॉ मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स देयर, और वहां पर तुमने बहुत सारी रोचक रोचक चीजें देखी। ठीक है, राइट फाइव सेंटेंस, पांच वाक्य लिखो टू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस, अपने अनुभव का। ठीक है, तो इसको हम लोग को एक साथ करना है, विजिट योर लोकेलिटी इन ग्रुप, यू विल फाइंड योर लोकेलिटी एज ए फ्यू अदर स्कूल्स। तो इसमें स्कूल्स की सहायता से करना है, फिर भी हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मैं शुरू करती हूँ। वन नंबर, वंस माय फादर टोल्ड मी दैट अलीपुर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कलकत्ता में जो चिड़ियाखाना है वो अलीपुर में है। ठीक है, अलीपुर जू इज वन ऑफ द फेमस, यानी कि प्रसिद्ध जू इन इंडिया। पिताजी ने एक बार बताया कि अलीपुर जो चिड़ियाखाना है वो भारत के चिड़ियाखाना में सबसे प्रसिद्ध, ठीक है, एक प्रसिद्ध चिड़ियाखाना है। तो चूंकि ठंडा का महीना आ रहा है, तो ठंडा के महीने में बहुत से लोग चिड़ियाखाना जाते हैं, खासकर 25 दिसंबर में। ठीक है, तो ऑन, आप इसको एक मिनट रुकिए, काट देते हैं, यहां से लिखते हैं टू नंबर, ऑन 25th
दिसंबर ऑफ लास्ट ईयर, क्योंकि यहां पे आप घूम के आ चुके हो, ठीक है, तभी ना बताओगे लास्ट ईयर। एक सेकेंड, लास्ट ईयर आई वेंट टू विजिट जू विथ माई पेरेंट्स, विथ माई पेरेंट्स। थर्ड नंबर, इन इन कर लो या फिर आई आई हैव तीन एक सेकंड रुकी, डिफरेंट डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ काइंड्स ऑफ एनिमल्स। ठीक, फोर नंबर, फिफ्थ इन दिस सीजन, इन दिस सीजन मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स कम टू द लेक ऑफ द जू। पांचवा नंबर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि पांच सेंटेंस बोला है तो पांचवा यानी ये सब देखने के बाद क्या हो गया, बहुत खुश हो गए, तो वी लेफ्ट फॉर आवर होम इन हैप्पी माइंड, बहुत खुशी के साथ जो तुम है वो अपने घर लौट आए। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटीज है इस चैप्टर के खत्म हुए हैं, और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी बुक का जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसे करेंगे। ठीक है, तो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।